आज का जो ये प्रशिक्षण है ये चेतना और एचसीएल फाउंडेशन ने मिलकर किया है, और इसका जो मुख्य कारण है कि लखनऊ जैसे जो बड़े शहर हैं उनमें बच्चों के साथ अगर कोई न्याय कर सकता है तो वो पुलिस कर सकती है। काफ़ी अच्छा ये हमारा प्रयास रहा। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि इस मीटिंग में एक ही जगह पे सारे डिपार्टमेंट्स के लोग एक ही जगह मतलब एकत्रित हुए, और जैसे जो काम मेडिकल का काम हुआ वो सीएमओ ऑफिस के द्वारा होता है, बच्चों को पेश करना हो जे बोर्ड के द्वारा तो उनके भी मेंबर हमारे आते, बच्चों को काउंसलिंग की CWC यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स के लोग एक ही जगह मिले और सारी चीज़ों के विषय में विस्तृत चर्चा हुई। इस तरह के प्रोग्राम तो होने चाहिए और यूजफुल होते हैं ये प्रोग्राम। प्रशिक्षण से बहुत अच्छा रहा, जैसे सबको जो जानकारी मिली तो हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि कोई भी पुलिसकर्मी हो और अगर उसको JWO की तरह बनाया गया है, थाने में रखा गया है, तो प्रशिक्षण ले, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा टर्नओवर रखा। हमको NGO चेतना वालों ने जो है सहयोग किया, इनके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस एक मिला जुला, मैं कहूँगी कि पूरे समाज के स्ट्रक्चर में पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बच्चों के संपर्क में भी आते हैं, और बच्चों के साथ में जो एक डील करने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होना चाहिए। नीड्स टू टेक केयर ऑफ दी सॉफ्ट एस्पेक्ट, चिल्ड्रन आर मोर वल्नरेबल, तो उसके तहत बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटाइजेशन हो कम्युनिटी में, उनकी एक फ्रेंड की जैसी एक्सेप्टेंस हो, बच्चों के साथ उनकी एक फ्रेंड जैसी रिलेशनशिप हो, तो उसके लिए दोनों तरफ से काम होने की ज़रूरत है। देख लो कान्हा तुम्हारे देश में, उसके बचपन को बचा लो दोस्तों, है बहुत नाजुक संभालो दोस्तों, खो न जाए लोरियां दुत्कार में, कश्तियां बचपन की है मझधार में, देख लो कान्हा तुम्हारे देश में।